What's up guys, welcome to my channel Comikian. तो guys इस वीडियो का वेट मेरे बहुत सारे फैंस कर रहे थे और फाइनली आज मैं लाया हूँ कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के ओरिजिन और उसके पावर्स पे एक फुल और डिटेल्ड वीडियो। तो guys अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन पे खलक स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन इस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप इस कैरेक्टर को बड़े आसानी से समझ पाओ। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की डीसी कॉमिक्स में हमें अभी तक सिर्फ एक अपीयरेंस देखने को मिली है और वो थी फाइनल क्राइसिस के टाइम्स सुपरमैन बियॉन्ड कॉमिक में। सो गाइस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को समझने के लिए हमारा पहले मल्टीवर्स को समझना बहुत ही जरूरी है और हम इसको समझेंगे एक आसान तरीके से। पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वो है कि डीसी मल्टीवर्स में 52 यूनिवर्सेस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है। इन डिफरेंट यूनिवर्सेस में हमें डिफरेंट सुपर हीरोज के डिफरेंट वर्जन देखने को मिलते हैं। गाइस मैं यहाँ सिर्फ उस मल्टीवर्स की बात कर रहा हूँ जो कि हमें फाइनल क्राइसिस के दौरान देखने को मिली थी। जैसे जिस यूनिवर्स में हमारी मेन स्ट्रीम जस्टिस लीग रहती है वो है अर्थ जीरो। अर्थ जीरो वही अर्थ है जहाँ पर यंग कैल-एल अपने होम प्लेनेट क्रिप्टॉन के डिस्ट्रक्शन के बाद अर्थ पर लैंड करता है और फिर आगे जाकर सुपरमैन बनता है। और ब्रूस वैन के बचपन में ही उसकी पेरेंट्स का मर्डर किया जाता है और वो फिर आगे जाकर बैटमैन बनता है। और वही अर्थ टू पे जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका रहती है जहाँ गोल्डन एज ऑफ सुपर हीरोज रहते हैं और अर्थ 3 पे रहती है इविल जस्टिस लीग एके क्राइम सिंडिकेट और ब्ला ब्ला ब्ला। तो मल्टीवर्स में इन 52 यूनिवर्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखा है फोर्स, एक एनर्जी ने जिसको कि हम ब्लीड के नाम से भी जानते हैं और इसने इन यूनिवर्सेस के बीच के गैप को फिल भी कर रखा है। इसको आसान भाषा में अगर समझाया जाए तो आप एक वॉल की एग्जांपल ले ले और ये मान ले कि उस वॉल पे लगी ब्रिक्स डिफरेंट यूनिवर्सेस है और उनके बीच का सीमेंट वही फोर्स या एनर्जी ब्लीड है। इन 52 यूनिवर्स के आउटसाइड प्रेजेंट है स्फीयर ऑफ गॉड्स जहां पर सेलेस्टियल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे हेवन, हेल, न्यू जेनेसिस जो कि होम प्लेनेट हाई फादर और मिस्टर मिरेकल का, और एपोकलिप्स जिसका रूलर डार्क साइड है। इनके अलावा और भी प्लेनेट्स प्रेजेंट है स्फीयर ऑफ गॉड्स में, बट वो हमारे डिस्कशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज हमें यहाँ समझनी है वो है कि मॉनिटर स्फीयर जो कि स्फीयर ऑफ गॉड्स के बाहर प्रेजेंट है और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है एक रियल्म लिम्बो, और ये लिम्बो हमारे टाइम स्पेस और अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। मॉनिटर स्फीयर होम है एक पावरफुल रेस जो कि खुद को मॉनिटर्स कहते थे। एक्चुअली 1984 में रिलीज की गई सबसे पहली क्राइसिस कॉमिक क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स हम देखते हैं कि अर्थ पे लाइफ शुरू होने से बहुत पहले मॉनिटर और एंटी मॉनिटर एग्जिस्ट करते थे जो कि एक ही कॉइन के दो साइड्स है, पर ये दोनों इस कॉमिक के लास्ट में मारे जाते हैं। मगर फिर ये ओरिजिन चेंज किया गया और कहा गया कि सिर्फ एक बीइंग सबसे पहले एग्जिस्ट करता था और वो है ओवर मॉनिटर जिसने कि मल्टीवर्स और ब्लीड को डिस्कवर किया। गाइस यहां मैं बता दूं कि एंटी मॉनिटर डीसी के टॉप 3 मोस्ट पावरफुल विलन्स में आता है और ओवर मॉनिटर के पास मॉनिटर और एंटी मॉनिटर दोनों की कंबाइंड पावर है। ओवर मॉनिटर ने कुछ टाइम बाद खुद को डिवाइड कर दिया बहुत सारे स्मॉलर बींग्स मॉनिटर्स में जो कि डिफरेंट यूनिवर्सेस पे नजर रखने लगे, और इनमें सबसे पहला और सबसे पावरफुल मॉनिटर का नाम था टेक्स नोवी जिसने कि अपने रिसर्च से डिस्कवर किया कि मॉनिटर से पैरासाइट की तरह मल्टीवर्स को खा सकते हैं और ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। जब उसने ये बात बाकी मॉनिटर्स से कही तो उन्होंने उसे प्रिजनर बना लिया और टेक्स नोवी ट्रांसफॉर्म हो गया डार्क मॉनिटर मैंड्रैक में जो कि बेसिकली एक वैम्पायर की तरह है जो कि मल्टीवर्स के लाइफ फोर्स पे जिंदा रहता है। उसके बाद मैंड्रैक वहां से भाग जाता है और तब एंट्री होती है हमारे इस वीडियो के मेन टॉपिक कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की। एक्चुअली मैंड्रैक की वाइफ जिलो वाला सुपरमैन के पास हेल्प मांगने के लिए आती है और सुपरमैन बीमार लुईस लैन के बेड साइड पे बैठा होता है। जिलो सुपरमैन से कहती है कि वो लुईस लैन को ठीक कर देगी अगर सुपरमैन उसकी हेल्प करेगा, तो सुपरमैन एग्री करता है और उसे पता चलता है कि जिलो वाला ने और डिफरेंट यूनिवर्स के पावरफुल सुपर हीरोज को भी बुलाया है जैसे अर्थ 5 से शज़ाम, अर्थ 3 से अल्ट्रामैन और भी बहुत सारे। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एक्चुअली एक रोबोट है जिसे कि मॉनिटर्स ने बनाया था ताकि वो मल्टीवर्स को मैंड्रैक से बचा सके। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास सुपरमैन और अल्ट्रामैन की मेमोरीज और एसेंस है और बेसिकली इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स भी है। इसके अलावा कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास मल्टीवर्स की सारी पास्ट की हिस्ट्री है और फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स की पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज उसे पहले से ही पता है, इसलिए उसे कभी कभी थॉट रोबोट के नाम से भी जाना जाता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन 4 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है और हम एज ह्यूमन सिर्फ 3 डायमेंशन के सबस्टेंसेस या इवेंट्स को समझ सकते हैं जिसकी वजह से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन पे मल्टीवर्स का कोई भी नेचुरल लॉ अप्लाई नहीं होता और जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बियॉन्ड मल्टीवर्स लेवल का बीइंग बना देती है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की पावर्स को सम अप करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो सिर्फ हमें अभी तक 2 इश्यूज में दिखा है। पहले देखते हैं कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने इन दोनों इश्यूज में क्या क्या किया। तो बेसिकली कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन मैंड्रैक के साथ फाइट करता है जो कि मल्टीवर्स का अभी तक का मोस्ट पावरफुल बीइंग है और वो मैंड्रैक के हर किसी अटैक को विदस्टैंड करता है और उसे अपनी एनर्जी ब्लास्ट से मार देता है।
कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की हमें अभी तक सिर्फ यही एक फीट पता चली है कि उसने अकेले ही मैंड्राव को हरा दिया था। अब अगर बात की जाए कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की दूसरी पावर्स के बारे में तो वो ओमनीसेंट है, जिसका मतलब कि उसे मल्टीवर्स में होने वाली प्रेजेंटली हर किसी इवेंट के बारे में पता है। और इसका एविडेंस हमें मिलता है कि मैंड्रा के साथ फाइट करने के दौरान सुपरमैन लुईस लैन की हार्टबीट सुन सकता है, और वो भी इतने बड़े मल्टीवर्स में। और इसके अलावा उसके पास सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, और वो भी मैंड्रा जितने पावरफुल बीइंग को मारने वाले एनर्जी ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब एक ऐसी एबिलिटी जो कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को मोस्ट पावरफुल बना देती है वो है कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। मतलब कि अगर उसे कोई भी पावर चाहिए तो उसे बस सोचना है और वो पावर उसके पास आ जाएगी। लिटरली उसके पास हर कोई पावर है जो हमें पता है, इसलिए दूसरे मल्टीवर्सल लेवल बीइंग्स को कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को हराना नामुमकिन है। ग्रैंट मॉरिसन जो कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का क्रिएटर है, कहता कि मल्टीवर्स मैप जो कि मैंने इसे पहले दिखाया है इस वीडियो में, का जो व्हाइट पोर्शन है वो गॉड है। गॉड और मल्टीवर्स के बीच का कनेक्शन और मॉनिटर है। तो अगर इसी कंसेप्ट को आगे अप्लाई किया जाए तो सिमिलरली मॉनिटर्स ने कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बनाया था ताकि वो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के थ्रू मल्टीवर्स में होने वाले डिफरेंट इवेंट्स को चक में रख सके। और यहाँ पे वो था मैंड्रा को खत्म करना। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन अपने कॉमिक रीडर्स को फील कर सकता है, और कुछ फैंस का तो ये भी मानना है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन द प्रेजेंस के बाद डीसी का मोस्ट पावरफुल बीइंग है। बेसिकली कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन मल्टीवर्स में किसी को इरेज क्रिएट, लाइक लिटरली वो मल्टीवर्स के साथ कुछ भी कर सकता है। और मल्टीवर्स में कोई भी बीइंग चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और आगे स्टोरी में सुपरमैन वापस अपनी अर्थ पे आ जाता है, क्योंकि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो मल्टीवर्सल थ्रेट मैंड्राक ने प्रोड्यूस किया था वो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने खत्म कर दिया था। मगर क्या पता कि हमें आगे कॉमिक्स में वो देखने को मिले, क्योंकि डीसी के मेटल इवेंट के बाद अब सोर्स वॉल ब्रेक हो चुका है। और अगर आप प्रेजेंट जीएल कॉमिक सीरीज दिसंबर 2018 को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मल्टीवर्स फिर से खतरे में है। तो हो सकता है कि शायद हमें कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन और देखने को मिले। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। गाइज अगर आप चाहते कि मैं ऐसे ही डीसी और मार्वल के मोस्ट पावरफुल बींग्स पे और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।